और वो मतलब ऐसे ऐसी चीजें मेरे पास लिस्ट है क्या क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में. मैं लिस्ट मतलब आई जस्ट रेफर टू माई नोट्स बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मैं कुछ भी बक दूं. मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं हुआ हूं. कुछ भी बोलते हैं. ही इज जस्ट मतलब ऐसे लाइफ के मंत्र दे दिए उन्होंने अनजाने में. अनजाने में वो कुछ भी बोलते हैं. वो गए कनाडा. उन्होंने कनाडा में एक बात बोली थी जो मेरे जीवन का मंत्र हो गया है. उन्होंने कहा था इंडिया एंड कनाडा आर द टू ए बी इन द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर. आई एम नॉट फकिंग मेकिंग दिस अप. दिस एक्चुअली हैपेंड. ओके ही सेड दैट इंडिया एंड कनाडा आर द टू ए बी इन द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर. कितने लोगों को ये पता ही नहीं है ए प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है. कोई है यहाँ जेएनयू वाला कोई? कोई नहीं. सबने मैथ साइंस पढ़ा. ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये फॉर्मूला होता है. मोदी जी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तैयारी के साथ गए और उन्होंने कहा इंडिया एंड कैनेडा आर द टू ए बी इन द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर. ऐसा नहीं कि सुबह मतलब उठ के जो मुंह धोने से पहले बड़बड़ाता है आदमी बाथरूम जाते हुए. नहीं कुछ भी बोल देते हैं कि जैसे गए बुड़ 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 रंगीन बिल्ली रंगीन बिल्ली. कुछ भी बोल दी. ऐसा नहीं है ना अमित शाह इज वॉचिंग. ऐसा नहीं बोला. कुछ नहीं बोला. ही एक्चुअली सेड दैट थिंग इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. इंडिया एंड कैनेडा आर द टू ए बी इन द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर. नासा का एक इक्विपमेंट है स्पेस में जो कॉस्मिक साउंड पकड़ता है ना. वो एक कॉस्मिक हम है एक जो यूनिवर्सल हम है वो पकड़ता है. जो अगर आपके पास व्हाट्सएप होगा तो आपको पता होगा वो ओम है ना. आया है ना ओम है पूरा कॉस्मोस है. पूरी दुनिया में यहां सिर्फ हिंदू है. बाकी बाकी दूसरे प्लैनेट में सब हिंदू है. जो मिला नहीं है वो प्लैनेट उसमें भी सब ओम चिल्ला रहे हैं. ये व्हाट्सएप के हिसाब से. तो नासा का जो इक्विपमेंट है जो कि स्पेस का कॉस्मिक साउंड पकड़ता है. जिस दिन मोदी जी ने ये टू ए बी बोला अगले दिन उस इक्विपमेंट ने जो साउंड पकड़ा वो था हैं. जीवन का मंत्र बन गया. अब साला कहीं रोड पे कोई ट्रैफिक में कोई क्रॉस कर रहा था गलत साइड से बाइकर करते हैं इधर उधर से ऐसे निकाल रहा है. मैंने बोला अबे चूतिया कर क्या रहा है. बोला तू चूतिया तेरा बाप चूतिया ये वो. मैंने बोला इधर आ. वो आया. मैंने बोला इंडिया एंड कनाडा आर द टू ए बी इन द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर. बोला क्या? मैंने बोला अभी बहुत लंबी जिंदगी है समझ जाएगा किसी को. वापस रेफरिंग द नोट्स न्यूज. हाँ एक और जो मजेदार खबर आई थोड़े दिन पहले वो है हमारे प्यारे से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ. एक तो वो जब से आए हैं तब से यूपी में इनकाउंटर किलिंग हो रही है या फिर ऑक्सीजन किलिंग हो रही है. दो तरह की हो रही है. लेकिन वो जब आए थे तो उनको बड़ा वाइट वॉश किया शुरू में. तो लोग क्योंकि किसी को पता नहीं था वो आने वाले हैं. वो जैसे ही आए तो मोदी जी ने बोला यही तो आपने देखा था सपने में. किसी ने कुछ नहीं देखा था लेकिन सबको ऐसा बिलीव कराया गया कि नहीं यही हमारे सपनों के राजकुमार हैं. उसकी उनकी दो तीन स्ट्रैटेजीज थी. उन्होंने बोला कि देखो ये जानवरों से कितना प्यार करते हैं. उन्होंने जानवरों के साथ उनकी फोटो वोटो लगाना शुरू किया कि देखो बंदर के साथ हैं चिट्ठी लिख रहे हैं. फोटो है उनकी वो बंदर के साथ कुछ लिखो वो एंटी रोमियो स्क्वाड का बिल लिख रहे हैं. एंटी रोमियो स्क्वाड आपको पता है एंटी रोमियो स्क्वाड है ना. कौन है यहाँ यूपी वाले? कोई है यूपी वाले? हाथ नहीं उठाने होते. कोई ऐसा ग्रेट काम नहीं किया. लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड बेसिकली इट्स अ यूफेमिज्म फॉर वो लड़के जिन्होंने कभी जिंदगी में लड़की से बात नहीं की है. अब जाके उनको कूटेंगे जिन्होंने अभी अभी लड़की से बात करना शुरू किया. इसका नाम उन्होंने दिया एंटी रोमियो स्क्वाड. लेकिन हाँ फिर योगी जी का एक आया कि वो सिर्फ ना वो
दूसरा उनका जो लेवल था, जानवरों से प्यार करते, फिर आया कि वो 4 घंटा सोते हैं सिर्फ। मेरा एक दोस्त है वो 3 घंटा सोता है क्योंकि वो पॉन एडिक्ट है। सो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्या है? और कम से कम 4 घंटा तो सोते हैं ना, क्योंकि जब से वो आए हैं उनके बाद माइनॉरिटीज ने सोना बंद कर दिया। बट योगी जी ने थोड़े दिन पहले एक काम किया, उन्होंने अपने खिलाफ जो 22 साल पहले के केसेस थे हेट स्पीच के, वो उन्होंने खारिज कर दिए। अपने ही खिलाफ केसेस थे 22 साल से जो चल रहे थे हेट स्पीच के, उन्होंने कहा ये क्या बेकार हेट स्पीच के पुराने केसेस हैं, नहीं दे दूंगा। क्या पुराने से वो लिंगो लेके अटके पड़े हो, मीडियम बदल गया है, दुनिया बदल गई है, नई हेट स्पीच लो मेरे से। लेकिन अगेन इट्स अ प्रैग्मेटिक स्टेप, ओके। वो केस आगे नहीं बढ़ा, वो कोर्ट में नहीं गया, 2 जजेस की जान बच गई। अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करें तो a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करें तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है।